हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सीएम योगी जब पहुंचे भारत चीन बॉर्डर पर, हैं जवानों से ऐसे की मुलाकात। योगी जी, क्योंकि यूपी का बॉर्डर मिलता है चाइना से, तो यूपी के बॉर्डर वहां गए हैं। मैं तो पहली बार ही न्यूज सुनी है ऐसी कि वो गए हो। ये तो जनरली मोदी जी या जो डिफेंस के मिनिस्टर हैं उनको देखा है सुना है जाते हुए। मुझे लग रहा है कि कोई पार्ट्स होंगे यूपी के जो टच होते होंगे चाइना से। अच्छा, चलो देखें। मुझे तो लगा कहीं खास, कहीं दूर, मतलब अपने स्टेट से दूर कहीं देखते हो सकते। मुझे तो ये लगा था। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये तो बर्फ है, बद्रीनाथ गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दो दिन के दौरे पर उत्तराखंड में हैं। सीएम योगी आज दोपहर को चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री योगी को केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए आज ही पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम के चलते उन्हें आए मौके पर अपने कार्यक्रम में परिवर्तन करना पड़ा। केदार घाटी में मौसम खराब होने और घना कोहरा छाने की वजह से हेली सेवाएं बाधित हो गई। बद्रीनाथ धाम में मौसम साफ होने के चलते सीएम योगी बद्रीनाथ पहुंच गए और यहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं। दरअसल सीएम योगी उत्तराखंड में स्थित भारत चीन बॉर्डर पर सीमा चौकी माणा पास बॉर्डर भी गए। सीएम योगी ने यहां आईटीबीपी के जवानों की हौसला अफजाई की, एक एक कर सबका परिचय लिया। और जब सीएम योगी इन सभी जवानों का परिचय ले रहे थे इस दौरान उनके सामने यूपी के जवान भी आ गए। राकेश कापी पश्चिम बंगाल गोपी चंद राजस्थान सर। जनसमान भाई वीरेंद्र सिंह। हवा कितनी तेज है। इससे पहले बद्रीनाथ धाम पहुंचकर सीएम योगी ने कुछ देर बीआरओ के अतिथि गृह में आराम भी किया था और उसके बाद वो भारत चीन सीमा पर पहुंच गए जहां उन्होंने आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की और जवानों की जमकर तारीफ की। कहा कि इतने कड़े मौसम और बर्फीली पहाड़ों के बीच भारत के रणबांकुरे देश की सीमा की हिफाजत करने में जुटे हुए हैं। खबरों की माने तो सीएम योगी कल 8 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे। मौसम ने अगर साथ दिया तो सीएम योगी केदारनाथ धाम में दर्शन करने को भी जा सकते हैं। फिलहाल सीएम योगी भारत चीन सीमा पर यूपी में रहने वाले जवानों से मिलकर काफी खुश नजर आए। तो आप इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। अच्छी वीडियो थी कि खास वहां जब जा रहे थे तो जवानों से भी मिले बॉर्डर पे। और ये जो लेक थी जो दिखाई है इन्होंने, क्योंकि कौन सी ऐसी लेक है, कोई खास है? क्योंकि योगी जी ने पहले वो नमस्कार किया है उस लेक को, बद्रीनाथ लेक होगी। हाँ, और उसके बाद फिर ऐसे लग रहा है वहां से उन्होंने पिया भी है, जल भी लिया है। तो बताना ये कौन सी लेक है। बहुत ही अच्छा। और ठंड कितनी थी यार, इससे पता लग रहा था कि हाई ऑल्टीट्यूड नजर आ रहा था। स्नो थी, हवा थी, पूरी ऊपर क्लाउड्स टच हो रहे थे। हाँ। जैसा माउंटेन का एरिया होता है, देखो इतना ठंडा होता है, काफी डिफिकल्ट होता है, वही नजर आ रहा था पूरा। हाँ, वही वो कह रहे हैं कि ऐसा मौसम था। हाँ, अभी तो ठंड शुरू भी नहीं हुई है इतनी। और यही बोल रहे थे ना कि योगी जी का पोस्टपोन हो गया क्योंकि वेदर की वजह से। तो इस वेदर की वजह से जहाँ हेलीकॉप्टर और ये सब बंद हो जाते हैं, उस वेदर में जो है ये देखो हमारे सोल्जर्स, हमारे सैनिक
और देखा था कितनी ठंड है कि एक ने तो पूरा मुंह भी कवर किया हुआ था, बाकियों ने नहीं किया हुआ था कि योगी जी हैं, पर इतनी ठंड है कि आपको हर एक अपना पोस्ट होगी उनके आगे जाके पोस्ट हो सकता है कई लोग अंदर से आए होंगे कई लोग उधर से आए होंगे जो एग्जैक्टली कि कोई बाहर बहुत आउटसाइड ही कितनी घंटों से ड्यूटी कर रहे होंगे तो वो पूरा ढक्के बैठे हुए थे। और देखो सबसे एक एक से योगी जी मिले हैं, उनका इंट्रोडक्शन जो था उनसे लिया है, उनको मतलब ऐसे नहीं है कि एक दो से मिलके चले जाओ, सबसे टाइम लगा के सबको दिखाया कि भैया तुम लोग बहुत अच्छा काम करो, मतलब देश की सेवा नाम करो, क्या है, कहाँ से हो, सब बात ये सबसे बता के नाम और कहाँ से बेसिकली यही पता करे थे। और अपने इंडिया के हर पार्ट से हैं, अलग अलग हर पार्ट से देखा है, प्रदेश था, आसाम था, वेस्ट बंगाल था, वेस्ट बंगाल था, सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, अमेजिंग, ये अमेजिंग, ये है अपना इंडिया। और जबकि योगी जी बद्रीनाथ गए थे, उनको केदारनाथ भी जाना था, प्रोग्राम है अभी बना, और केदारनाथ मेरे ख्याल से चाइना में है, अच्छा इनमें से एक चाइना में है, तो उससे पता लगता है कि सारा हमारा एरिया था, कैसा इन लोगों ने ले लिया। ये सोचने वाली बात है कि अगर आपको बॉर्डर क्रॉस करके चाइना में जाना पड़ रहा है तो उसका मतलब है कि हमारे थे ये पूरे एरिया, उन्होंने छीन लिए और हमें पता ही नहीं चला हिस्ट्री में कब छीन लिए भैया। तो अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ी सतर्क होती पुराने वाली तो वो बोलती है तो हमारे तो पूरे लिखा हुआ मंदिर हमारे यहाँ पे, बिल्कुल हमारा मंदिर हमारा एरिया, तुम कैसे ले रहे हो, समझ ही नहीं आ रही मुझे तो, ये तभी तो मैं हैरान होती जब बोलते हैं भैया इनमें से कोई एक चाइना में, मैं तो सोच ही नहीं सकती थी, अच्छा चाइना में, तो यही नहीं समझ में आता है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। जो गवर्नमेंट ऐसी आ गई ना, जो ये सारी जो जगहें गई हुई है वापस अपने इंडिया की कर दी ना, वो गवर्नमेंट विल बी द बेस्ट गवर्नमेंट। और अभी तक जो है बीजेपी का ऐसे लगा है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कई स्टेप्स लिए हैं कि भैया हो सकता है कि वो ऐसा कुछ कर पाए फ्यूचर में, अभी तो नहीं, अभी तो जब तक ताकत नहीं आती पावरफुल नहीं बनते हैं, पर ठंड देख के और जिस तरह से मौसम था सोल्जर्स को देख के यार रिस्पेक्ट डबल हो जाती है, डबल ट्रिपल हो जाती है। नहीं बहुत ही अच्छा था कि योगी जी ने अल्टीमेटली बोला कि मैं वहाँ जा रहा हूँ मगर हो सकता है योगी जी का बहुत सारे पर्पसेस हों, आई डोंट नो क्या बात हुई है, किस स्ट्रैटेजी के लिए गए हैं। कोई भी मिनिस्टर जो इतनी पोजीशन में है वो ऐसे मतलब ऐसे ही नहीं जाता, उसके पीछे बहुत प्लान होता है, बहुत स्ट्रैटेजी होती है, तो कोई बात है कि वहाँ गए हैं देखने के लिए, कुछ ऑपरेशन होगा, कुछ करने गए होंगे, आई डोंट नो, कुछ कंफर्म करने गए होंगे या कुछ चेंजेस लाने के लिए गए होंगे या कुछ स्टडी करने के लिए गए, साइन करने गए होंगे, कुछ करने होंगे, समथिंग इज देयर। ऑब्वियसली पहली बार ही सुना है योगी चीफ मिनिस्टर ऐसे हल्के में नहीं जाता, समथिंग खासकर जब योगी जी जा रहे हैं तो भैया बात बड़ी होगी, सोचने वाली बात है। यहाँ तो कोई चाइना से के वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली है जिसके लिए हमें रेडी होना पड़ेगा और उसके उसको काउंटर करने के लिए कोई बातचीत हो रही होगी या कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। नहीं ये तो पता ही है कि चाइना जो है पूरा रेडी है, जैसे हमने देखा था कि वो अपने येलो सी में उसने बड़े सारे माइंस रखे हुए हैं, वो प्रिपेयर करके बैठा हुआ है, मोस्ट लाइकली हमें लग रहा था ताइवान के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कौन इतने उसका अपने सबमरीन फट जाते हैं, इतने उसने किया हुआ, सोचो कितने माइन लगे होंगे कि उसके अपने जो है सबमरीन मेरे ख्याल से फटा था, उसका खुद का सबमरीन फट गया, भाई कितने लगा दिए तुमने वहाँ माइन पानी के अंदर, बिल्कुल। तो मतलब वो लोग काफी मतलब उस टाइप की उनकी साइकी है कि लड़ाई झगड़े के लिए है, और नजर भी आता है, पहले छोटा सा चाइना था अब इतना बड़ा हो गया, यहाँ तक हमारा बॉर्डर कभी होता नहीं था चाइना से, तो तिब्बत से बॉर्डर था, उन्होंने तिब्बत ले लिया, अब चाइना से हमारा बॉर्डर बन गया, तो वो देखिए कि चाइना कैसे ग्रो करा है, बस उसका ही मेंटेलिटी है, जो फेक उसके मैप दिया था, उसको मिलजुल के दुनिया में रहना नहीं आता, वो उस टाइप का है कि मैं डोमिनेट करूं सबको और मैं बनूं सबके ऊपर। हमने कुछ वीडियो भी देखे तो पता चला है काफी आगे चले गए वो लोग, इंडिया को जल्दी से कैचअप करना है और बीट करना है चाइना, करेंगे करेंगे यार, जो इतना इस टाइप की सोच रखता है वो ज्यादा तरक्की करने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं होगा, हिस्ट्री दिखाती है कि फ्यूचर में डाउनफॉल तो होता ही, सिंगल पार्टी रूल है कुछ ना कुछ, बिल्कुल। तो चलो अभिषेक अन्ना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।